संजय सिंह के परिवार वाले रोज एवेन्यू कोर्ट आए थे अपनी पिटीशन पर, तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं फारूक खान जो वकील हैं संजय सिंह के। तो सर क्या हुआ पिटीशन का? देखिए, कल एक खबर लगी कि संजय सिंह साहब को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो अपने मुख्यालय से हटा के और पुलिस स्टेशन तुगलक रोड शिफ्ट करने की बात कर रही थी, और संजय सिंह ने जब उसको मना कर दिया तो उनसे एक चिट्ठी लिखवाई गई और उनको लॉकअप के बाहर इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया सुलाने के लिए जबरदस्ती। तो हमने ये प्ली ली कोर्ट में, हमने एप्लीकेशन लगाई कि भाई ईडी तथा कथित बड़ी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और लोग डे इन डे आउट लोगों को अरेस्ट कर रही है, क्या इनके पास एक ही लॉकअप है और पेस्टिसाइड है तो एक लॉकअप सारे लॉकअप में तो एक साथ होगा नहीं। ये बहुत मतलब अपने आप में ये बहुत सवाल खड़े करती है ईडी के ऊपर। तो हमने एक एप्लीकेशन लगाई, तुरंत आज मॉर्निंग में लगाई और उसको मेंशन किया मैटर को। 2 बजे तक कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप जवाब फाइल करें। उनसे बहस की कि ये जब पुलिस कस्टडी या ईडी कस्टडी का मतलब ये होता है कि उनकी कस्टडी में रहेंगे, और पैरा 15 में ऑर्डर में लिखा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ईडी करेगी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ब्रॉडर गाइडलाइंस है कि सीसीटीवी फुटेज के दायरे में होने चाहिए। हमने कहा इसका ये वायलेशन कर रहे हैं और ये कंटेम्प्ट है। तो कोर्ट ने हमारे सबमिशंस को एक्सेप्ट किया और उनसे जब पूछा तो वो उन्होंने कहा कि हम इनको कहीं भी अब शिफ्ट नहीं करेंगे, हम यहीं रखेंगे जहां पे हमको रखा, और अंडरटेकिंग दी कोर्ट के समक्ष ईडी ने। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह के वकील जिन्होंने सारे मामले को समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सुबह एप्लीकेशन लगाई और इस एप्लीकेशन का भी निपटारा हो चुका है।